क्या जिसकी चर्चा भूदेव चौधरी जी ने की कि जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये जगदेव बाबा के उसी 90% लोगों के हिस्सा है। उन लोगों को, उन बाप दादों को प्रताड़ित किया गया अंग्रेजों ने पहले, आजादी के पहले किया, और आजादी के बाद अंग्रेजों के दलालों ने किया, जिनको जगदेव बाबू 10% का हिस्सा बताते थे। उन्हीं लोगों के पास सारी जमीनें, उन्हीं लोगों की मिल्कियत, जमीनें कहां से आई? मैं राजस्व और भूमि सुधार मंत्री, मैं देख रहा हूं खतियान को, देख रहा हूं कि जमीनें कहां से आई। बहुत सारे लोगों को तो अंग्रेजों की दलाली के एवज में, जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन लोगों ने मुफ्त में या फिर क्या क्या उसके लिए उन्होंने गवाया होगा पता नहीं, लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन लिख कर चले गए। लेकिन जिनको जमीन नहीं थी, कम भूमि थी, मेहनत कश किसान, मेहनत कश मजदूर, ये तमाम लोग उनके शिकार थे, जिनके पास जमीनें चली गई। आज भी जमीन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसकी वजह से सामाजिक, समाज में डिस्टर्बेंस रहता है। बिहार की 50% से ज्यादा हत्याएं जमीन विवाद में होती है। आपका बेटा उस विभाग का, आपका भाई उस विभाग का मंत्री बनाया गया, जिस विभाग में आप लोगों की समस्याएं ज्यादा है। तो मैं हर जगह हिदायत दे रहा हूं कि आप लोग अपने परिवार में बंटवारा कर ले समय पर, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो हमने व्यवस्था बनाने का सोच रखा है, उसमें सबकी जमीनें क्लियर हो जाए, आपस में नहीं लड़े। जिनसे लड़ना है उनसे लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे, संगठित होइएगा तो आप भी लड़िएगा, लेकिन आपस में मत लड़ना। आपस में लड़ने से कई तरह की एकता खंडित होती है। आज राजनीति इतनी महत्व, राजनीति का महत्व बहुत बढ़ गया है, लेकिन हमारे लोगों को ये समझाया जा रहा है, हमारे लोगों के मन में राजनीतिज्ञों के प्रति नफरत पैदा किया जा रहा है। और खुद क्या कर रहे हैं, मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं। उत्तर, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।